इंस्टाग्राम पे एक लोग ने कॉन्टैक्ट किया और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे बात करी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं एक ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ, कभी कभी मेरा प्रॉफिट होता है, कभी कभी मेरा लॉस होता है, तो मैं हमेशा मोटिवेट कैसे रहूँ? मैंने आपकी वीडियोस देखी, इंस्टाग्राम रील्स देखी, अब मुझे ये पूछना है कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। मुझे बहुत तेज हंसी आ गई, भाई क्यों आप ये सर्च कर रहे हो कि मैं हमेशा मोटिवेट कैसे रहूं? हमेशा मोटिवेशन वाला ये जो बात है ना, ये एक मिथ है, मैं इसको मानता ही नहीं हूं। हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते हो, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा मोटिवेट रहता हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, एलन मस्क भी नहीं है, संदीप महेश्वरी सर भी नहीं है, कोई इंसान हमेशा मोटिवेट नहीं रहता है। हर इंसान के लाइफ में डाउनफॉल्स आते हैं, हर इंसान के लाइफ में सेटबैक्स आते हैं और हर इंसान अपनी लाइफ में फेलियर्स को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है, तभी वो लोग आज सक्सेसफुल हैं। हर इंसान के लाइफ में फेलियर्स हैं, हर इंसान के लाइफ में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आप ये क्यों कहते हो कि हमेशा मोटिवेट रहें? आप ये क्यों ढूंढ रहे हो हमेशा मोटिवेट कैसे रहें? ये एक मिथ है भाई, हमेशा मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं है और ना कभी बनी है आने वाले टाइम में, ठीक है? क्योंकि मोटिवेशन इज ए टेम्परेरी। मोटिवेशन आज है, बहुत काम करोगे, कल नहीं है तो क्या काम नहीं करोगे? बताओ आप, आज आप सोच रहे हो कि मुझे मोटिवेशन आ जाए तबाह के काम करूंगा, एकदम फोड़ दूंगा, और कल मोटिवेशन जब नहीं है तब क्या करोगे? तब घर पे बैठ जाओगे? यही प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द लोगों की। जब मोटिवेट होते तब बहुत काम करते हैं, जब मोटिवेट नहीं होते तब कुछ नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम की। आप मोटिवेशन पर रिलाय हो गए हो, अगर मोटिवेशन है तो काम कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं है तो काम नहीं कर रहे हो, ये क्या बेवकूफी है? मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है, आज आएगा कल जाएगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, लेकिन हैबिट्स परमानेंट है। ये है राज। जो आप कहते हो ना लोग हमेशा मोटिवेट रहते हैं, हमेशा मोटिवेट नहीं रहते हैं, काम करना उनकी हैबिट है। आप मोटिवेट रह करके काम नहीं कर सकते हो, आप हैबिट्स के थ्रू अपने काम को रोज कर सकते हो। जो भी काम आप करते हो, जैसे वो जो मुझसे कॉल कर रहे थे, वो तो ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, आप एक ट्रेडर हो सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, आप एक हाउसवाइफ हो सकती है, आप कुछ भी हो सकती है। इस वीडियो को आप देख रही है, आप सबसे पहले अपने डेली एक वर्क शेड्यूल बनाइए, अपना एक डेली वर्क शेड्यूल बनाइए और उस वर्क शेड्यूल को फॉलो करिए। वेदर आप मोटिवेट हैं, वेदर आप नॉट मोटिवेट हैं, कुछ भी हैं, आप उस काम को करिए। आप जब तक उस काम को करेंगे तभी तक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उस काम को करना बंद कर देंगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप मत सोचना, आप ये मत सोचो कि मैं जब मोटिवेट रहूंगा काम करूंगा, मोटिवेट नहीं रहूंगा काम नहीं करूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होने वाला है। एक ही तरीका है कुछ भी चीज में सक्सेसफुल होने का, वो है कॉन्टिन्यूस काम करते रहना और उसे अपनी हैबिट बना लेना। मोटिवेशन पर रिलाय मत करो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मोटिवेशन मत ढूंढो। क्या चाहते हो, मैं वही वाली मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं जो हजारों लोग बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर? तू कर तू कर तू कर, कुछ नहीं करेगा भाई तू, कुछ नहीं। वो सिर्फ 3 मिनट का मोटिवेशन है, वहां से आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको असली मोटिवेशन कौन देता है? कौन देता है? आपकी फैमिली देती है, आपकी प्रॉब्लम्स देती हैं, वही मोटिवेशन है यार। अगर आपकी फैमिली सिचुएशंस खराब है, वही मोटिवेशन है। आपके फादर काम कर रहे हैं, वही मोटिवेशन है। आपकी क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स जो है, वही मोटिवेशन है। क्यों मोटिवेशन बाहर ढूंढ रहे हो? क्यों किसी वीडियो में मोटिवेशन ढूंढ रहे हो? क्यों मेरी वीडियो देख रहे हो मोटिवेशन के लिए? मैं मोटिवेशन नहीं देता हूं भाई। अगर मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब किया प्लीज अनसब्सक्राइब मारो भाई, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं। यहां इस चैनल का काम है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, प्रैक्टिकल ग्रोथ टिप्स देना, जो आपको लाइफ में हेल्प करेंगी ग्रो करने में। लेकिन मैं मोटिवेशन नहीं मान रहा हूं, और ना मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मोटिवेशन पर रिलाय करो, अपने लाइफ में प्रैक्टिकल हैबिट्स को फॉर्म करो। हैबिट्स के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, उन्हें जाकर के देखो। हैबिट्स को जब फॉर्म करोगे तब जाकर के आप अपनी लाइफ में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ पाओगे। यही आज का एक मैसेज था, मैंने एकदम रॉ इस वीडियो को बनाया है, और कोई मेरा बस एक मकसद था। कल ही मैंने उनसे बात करी इंस्टाग्राम पे, जिनसे मैंने बात करी, और फिर आज मैंने सोचा आज इस बात को मैं वीडियो में डालूं, क्योंकि लोग क्यों मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। और आप ये मत सोचा करो कि आप हम लोगों की वीडियो देखते हो तो हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट रहते हैं। देर आर सम टाइम वेन वी फील लो। मेरी बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे टच में, बहुत सारे क्रिएटर्स से मेरी बात होती है, बहुत सारे क्रिएटर्स भी डाउनफॉल अपनी लाइफ में फील करते हैं। हम लोग इंसान है, ऐसा नहीं है यार कि हम लोग हमेशा मोटिवेट रहते हैं, हम लोग आग का गोला है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी डाउन फॉल आता है हम लोगों की लाइफ में। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि हमेशा मोटिवेशन पर रिलाय होना है। अपने लाइफ में प्रैक्टिकल हैबिट्स को फॉर्म करिए, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं।
बस कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट में बताना, और इस वीडियो को शेयर कर दो किसी ऐसे इंसान के साथ में जो बार बार ढूंढ रहा है मोटिवेशन। शेयर करो इस वीडियो को तुरंत उस इंसान के साथ में। और बस अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है @mahinerji, एंड मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू एट द टॉप।